हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एलएचबी कोच में यदि ब्रेक बैंडिंग आ रहा है, यानी कि कोई भी एलएचबी कोचिंग जो रेक है उसमें ब्रेक बैंडिंग आ रहा है, तो हम सीक्वेंस में किस प्रकार हम उसका ट्रबल शूट करेंगे ताकि समय की बचत भी हो और जल्दी से जल्दी जो है कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। तो सीक्वेंस में जानेंगे ब्रेक बैंडिंग आने पर किस प्रकार सीक्वेंस में हम उसे रिलीज करेंगे, और इसके बाद भी सभी स्टेप फॉलो करने के बाद भी यदि रिलीज नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रेक बैंडिंग रिलीज नहीं हो रहा है, तो हम उसे किस प्रकार आइसोलेट करेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मालूम हो सके। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलएचबी कोच में ये जो है नॉर्मल इस प्रकार के इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, दो मिलेगा जो कि बोगी वन और बोगी टू के लिए रहता है। एक ग्रीन अगर दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेक जो है रिलीज है, लेकिन वही ब्रेक बैंडिंग आने पे एक ग्रीन के जगह ये पर्सन जो है रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी हम पहचानेंगे। और वहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि वो एसएलआर होगा तो एसएलआर में यदि ब्रेक बैंडिंग आ रहा है तो इस प्रकार वो रेड तो होगा लेकिन ये आपको ग्रीन दिखेगा। लेकिन ग्रीन देखने का मतलब है कि ये हैंड ब्रेक का है, ये हैंड ब्रेक का ये दिखेगा, इसलिए आपको ये पहचान मालूम होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे यदि दोनों अप्लाई में है, ये अभी देख सकते हैं, तो इसमें अगर कोई एक में प्रॉब्लम आती है तो एक ग्रीन एक जो है रेड हो जाएगा, तो उसे हम रिलीज करेंगे, यानी कि बोगी वन या बोगी टू कोई भी। इसी प्रकार इसमें भी कोई एक में भी ब्रेक बैंडिंग हो सकती है या दोनों बोगी में भी हो सकती है, तो किस प्रकार हम रिलीज करेंगे वो जानेंगे। लेकिन पहले इंडिकेशन मालूम कर लेते हैं। और वहीं डबल डेकर जो है एलएचबी कोच, तो उसमें भी इस प्रकार के ये इंडिकेशन आपको मिलेगा देखने को। तो इस प्रकार हम ये देख करके पहले पहचानेंगे कि ये रिलीज नहीं हो रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिलीज करना है। अब इसमें एलएचबी कोच में जो है तीन प्रकार के अलग अलग जो है ब्रेक पैनल मिलते हैं, जो कि नॉर ब्रेक सिस्टम का रहता है या फेबनल का या एस्कॉर्ट कंपनी का, तो अलग अलग है। तो उसमें भी हम जानेंगे कि किस प्रकार पहचानेंगे और किस प्रकार उसका प्रॉब्लम आने पर ब्रेक बैंडिंग किस प्रकार रिलीज करेंगे। तो फर्स्ट जो है स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्यू आर बी को खींच करके हमें यानी कि रिलीज करना है। ये नॉर ब्रेक सिस्टम का है, तो यहाँ पे आपको लगा रहेगा ऑलरेडी जो है डी बी हैंडल ये है और यहाँ पे ये लगा है, लेकिन इधर से कनेक्टिंग जो है आ करके यहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ से आप खींचिए और खींच करके जो है रिलीज कीजिए। और वहीं मान के चलिए कि फैमिली में एक ब्रेक सिस्टम होगा, तो वहाँ की जगह ये आपको वहाँ पर यहाँ पर रहेगा खींचने के लिए, तो नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से क्यू आर बी का ये कनेक्शन यहाँ से आया हुए रहता है, तो आप खींचे तो ये रिलीज होगा। और वहीं अगर डबल डेकर की बात करें तो ये इसमें भी देखिए नॉर ब्रेक में है, तो ये यहाँ पे आपको लगा है खींचने के लिए, आप खींच सकते हैं। या इधर डबल डेकर में है तो फैबली और नॉर ब्रेक सिस्टम ये डबल डेकर में है, तो यहाँ से आप खींच करके रिलीज कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी सिस्टम हो या डबल डेकर हो या एलएचबी नॉर्मल हो, तो आपको एक क्यूआरबी को खींच करके क्विक रिलीज वाल्व को आपको रिलीज करना है फर्स्ट स्टेप में। और यदि फर्स्ट स्टेप में ये खींचने के बाद भी यदि रिलीज नहीं होता है तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करना है जानिए। तो ये देखिए फीटल कंट्रोल पैनल है, तो फर्स्ट स्टेप में रिलीज नहीं होने के बाद हमें क्या करना है कि ये बी सी बोगी वन और बोगी टू का इधर में कॉक लगा है, उसे हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँगे। एक पैनल में लगा हुआ है डीवी के पास में, तो वहाँ पे हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँगे, जिसमें भी प्रॉब्लम होगा तो ये वर्टिकल पोजिशन में हो जाएगा ऐसा, तो ये रिलीज हो जाएगा। तो जैसा आवश्यकता के हिसाब से आप बोगी वन या बोगी टू को घुमाइए, दोनों की ज़रूरत है तो दोनों को ही घुमा करके हम ब्रेक बैंडिंग जो है रिलीज कर लेंगे। और वहीं नॉर ब्रेक पैनल होगा, तो वहाँ पे ये इस प्रकार के स्विच रहेगा, तो इसे हम घुमा करके इसके द्वारा हम रिलीज करेंगे। और वहीं अगर एलएचबी डबल डेकर होगा तो इसमें भी इस प्रकार के नॉर ब्रेक कंट्रोल में ऐसा रहता है और फीटल कंट्रोल में इस प्रकार के स्विच रहता है, तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमा लेंगे और उसको हम रिलीज कर लेंगे। तो जैसा आवश्यकता होगा उसके हिसाब से हम बोगी वन या बोगी टू को घुमा करके रिलीज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमें ये फॉलो करना रहता है, लेकिन सेकेंड स्टेप के बाद भी यदि रिलीज नहीं हो रहा है ब्रेक बैंडिंग, तो हमें थर्ड स्टेप में इसका बीसी का ये दो पाइप रहता है फ्लेक्सिबल पाइप, तो इसमें हम इसको जो है ओपन कर लेंगे।
कोई भी जिधर से भी ओपन हो रहा है उधर से हम ओपन कर लेंगे, अगर एक से नहीं हो रहा है तो दोनों को ही ओपन कर लेंगे। तो इस प्रकार हम बीसी का फ्लेक्सिबल जो पाइप है उसको हम रिलीज करके हम ब्रेक बाइंडिंग को है रिलीज कर सकते हैं। और आप इंडिकेटर में देख करके आप कन्फर्म भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो डिस्क लगा रहता है वो भी थोड़ा यूज हो जाएगा तो स्लैग हो जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें ये स्टेप फॉलो करना है, यानी कि इसके फ्लेक्सिबल पाइप को ओपन कर देना है। और इसके बाद भी यदि रिलीज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक इसका नट रहता है तो वहाँ पे इसको लूज कर देना है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो बाहर इससे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आराम से रिलीज हो ही जाता है ब्रेक बाइंडिंग, तो रिलीज हो जाएगा इतना कुछ ये करता है। लेकिन इसके बाद भी यदि रिलीज हुआ ही नहीं तो हमें क्या करना है, यानी कि ये सभी स्टेप फॉलो करने के बाद रिलीज नहीं हो रहा है तो हम इसे आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट करने का भी कुछ प्रोसीजर है तो उसको हम फॉलो करेंगे। एपी को आइसोलेट कर देंगे और उसका एयर जो है उसको हम बाहर करेंगे, और डीवी हैंडल को भी आइसोलेट करेंगे और बीसी को भी आइसोलेट करेंगे, और सभी जो उसमें एयर है उसको बाहर निकाल देंगे, और क्विक रिलीज के द्वारा सभी एम्प्टी कर देंगे सीआर को। तो आइए उसको भी स्टेप बाई स्टेप जान लेते हैं। ये जो देख रहे हैं एफपी का कॉक है, इसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, यानी कि हॉरिजेंटल कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम घुमा करके ये जो पोजीशन देख रहे हैं तो हम इसको एफपी को आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद हम जो है डीवी हैंडल को आइसोलेट करेंगे, ये वर्टिकल में नॉर्मल रहता है लेकिन हम आइसोलेट करेंगे तो ये हॉरिजेंटल कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आइसोलेट कर देंगे डीवी हैंडल को। और इसके बाद जो है इसका बोगी वन और बोगी टू बीसी कॉक जो है उसे हम एंटी क्लॉक वाइज घुमा के इसे भी हम आइसोलेट कर देंगे, यानी कि इसको भी हम वर्टिकल कंडीशन में कर देंगे। और इसके बाद हम जो है ए सी आर प्रेशर है उसे हम ओपन करके निकाल देंगे, बाहर एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो है ब्रेक पैड में जो लगा हुआ ये जो नट है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, और इतना करने के बाद हम इंडिकेटर में जा कर के देखेंगे वो रिलीज यानी कि ग्रीन दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार जो है आइसोलेट हो जाएगा, एक इंडिकेटर जो है हमारा ग्रीन हो जाएगा। और वहीं जो है डबल डेकर होगा, तो डबल डेकर कोच में ये जो देख रहे हैं एफपी स्विच जो है इसको भी हम एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके हम रिलीज करेंगे। और यही नॉर का डीवी रहेगा, तो इसका जो है एफपी कॉक जो देखिए नॉर पैनल का इस प्रकार रहेगा, तो इसको हम घुमा करके जो है इसको भी एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके आइसोलेट कर लेंगे। और इसके बाद जो है ए सी वन बी सी कॉक जो है इसको हम घुमा करके सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो कॉक लगा है इसको हम इसके द्वारा हम ड्रेन आउट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि एल एच बी डबल डेकर में भी एक ग्रीन जो है इंडिकेटर दिखा रहा है कि नहीं। इस प्रकार जो है हम एल एच बी कोच में जो भी है नॉर्मल है या डबल डेकर है या ब्रेक भान में ही एस एल आर में ही अगर एल एच बी का अगर ब्रेक बाइंडिंग आ रहा है तो इस प्रकार हम रिलीज करेंगे सीक्वेंस में, ताकि समय की बचत हो। और यदि इसके बाद भी अगर रिलीज ना हो रहा है तो हम इस प्रकार हम आइसोलेट कर देंगे और फिर हम आसानी से नॉर्मल जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो कैसा लगा, ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।